हेलो दोस्तों, मैं रोहित सरप्राज और आप देख रहे हैं शिप टैक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। 5G स्पेक्ट्रम अब कंपनियां लेने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 5G स्पेक्ट्रम अब तैयार है और कंपनियां इसको ले सकती है, यानी कि परचेस कर सकती है। लेकिन 5G स्पेक्ट्रम परचेस करने के बाद कंपनियां जो प्राइस है, यानी कि जो प्लान का प्राइस है, वो इंक्रीज कर देगी। ऐसा क्यों, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 5G स्पेक्ट्रम परचेज करने के बाद कंपनियां अपना जो 4G प्लान है वो भी इंक्रीज करने वाली है सेकेंड टाइम, यानी कि अभी फिलहाल भी प्राइस इंक्रीज किए थे, लेकिन अब दोबारा से इंक्रीज करने वाली है। तो दोस्तों, कंपनियां जो प्लान में अपना इंक्रीज करती है वो सिर्फ पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए करती है, और लेकिन कंपनियां जो प्लान में इंक्रीज करती है वो किस वजह से करती है, वजह क्या होती है, आपको ये समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कंपनियां प्लान में जो इंक्रीज़ है वो किस वजह से करती है और किस वजह से करती है कि आपको इसका नुकसान होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की जो प्राइस रखी है सरकार ने, उसके बारे में आपको बता दें। जो प्राइस रखी है इसकी 5G स्पेक्ट्रम की, 3.5 GHz की प्राइस जो है वो 492 करोड़ पर गीगाहर्ट्ज़ नहीं, आप समझिए मेगाहर्ट्ज़ 492 करोड़ का अगर आपको मिल रहा है तो कितना महंगा है, सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है। जबकि और जगह की मैं आपको बता दूं, और जो कंट्री है उन्होंने कितने का इसको सेल किया था, आपको बता दें। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, 3.5 आपका गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 3.8 GHz का जो स्पेक्ट्रम था, इसका प्राइस सिर्फ 40 करोड़ का आपको मेगाहर्ट्ज़ का देखने को मिल रहा था ब्रिटेन में। आपको देख सकते हैं कितना फ़र्क, आप देख सकते हैं 492 करोड़ का सरकार बेच रही है इसको, जो कि 40 करोड़ का इसमें ब्रिटेन में आपको सेल करने को दिया था सरकार ने, यानी कि जो टेलीकॉम कंपनी थी उन्होंने इसको परचेज किया था। वहीं हांगकॉन्ग की बात करें, हांगकॉन्ग में भी 3.5 GHz का जो आपका स्पेक्ट्रम था वो 87 करोड़ का, यानी 3,87,00,000 का 1 MHz उनको मिला था, जो हांगकॉन्ग में बेचा था सरकार ने। आपको थर्ड बता देता हूँ, पुर्तगाल में 3.6 GHz का जो स्पेक्ट्रम था वो 1.7 करोड़, यानी कि 1,70,00,000 का जो मेगाहर्ट्ज़ था स्पेक्ट्रम वो परचेज किया था कंपनियों ने। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारी सरकार जो है इतना महंगा जो है स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनियों को सेल करेगी, तो टेलीकॉम कंपनियों पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेशर आ जाता है हमारे जो प्लान है वो इंक्रीज करें। तो दोस्तों, पिछली बार भी जो अभी फ़िलहाल इंक्रीज किए थे प्लान, वो भी इसी वजह से किए थे कि हम अपना जो 5G का स्पेक्ट्रम है वो परचेज कर लेंगे, लेकिन वो हद से ज़्यादा ही सरकार ने उसका प्राइस रख दिया। अब कंपनियों पर यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि हमारे से ही इसको इकट्ठा किया जाए, यानी कि जो दोबारा से प्लान जो है उसको इंक्रीज किया जाए। अभी फ़िलहाल ही कितना प्लान जो इंक्रीज हुआ था उससे पब्लिक परेशान थी, अब आप देख सकते हैं कि अगर दोबारा प्लान इंक्रीज करेगी तो पब्लिक पर कितना इसका असर पड़ेगा। लेकिन इसका जो नुकसान होता है वो कंपनियों का नहीं होता, सिर्फ हमारा होता है, यानी कि पब्लिक का होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कंपनियां इतना प्लान में इंक्रीज करती रहेगी तो पब्लिक का क्या होगा। लेकिन सिर्फ आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर सरकार इतने ज़्यादा आपको प्राइस रखेगी जो स्पेक्ट्रम है उसका, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि कंपनियां इसका जो इंक्रीज है, प्लान का जो इंक्रीज है, वो डेफिनेटली करेगी। तो दोस्तों, इसमें दोनों तरफ से हाथ है, सरकार का भी हाथ है, टेलीकॉम कंपनियों का भी हाथ है। आपने ये भी देखा होगा कि टेलीकॉम कंपनियां जो है, वी हुआ, एयरटेल हुआ, इन पर पहले से ही इतना ज़्यादा टैक्स हो रखा है कि ये डूबने के कगार पर है। वी तो बिल्कुल डूबने के कगार पर हो गया है, इसका 38% जो है वो सरकार को हो गया है इसका हिस्सा, वी का जो है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इन पर कर्जा चल रखा है। और उसके बाद भी अगर कंपनियों को इतना ज़्यादा आपका स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा तो कंपनियां खुद ही इंक्रीज कर देगी जो प्लान है उनमें, आपको इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर 5G आ जाएगा तो पहले अपना 4G या 2G सही से चल जाए, यानी कि जो
जो हमारा प्लान है वही महंगा हो जाएगा, तो हम 4G या 2G कैसे चला लेंगे, और जो 5G आ जाएगा उसका फ़ायदा क्या होगा जब इतना प्लान हमारा जो है वो महंगा मिलेगा। तो दोस्तों आज का मेरा यही मकसद था कि आपको इस चीज़ का पता लगे कि टेलीकॉम कंपनियां जो है वो प्लान में इंक्रीज क्यों करती है। कुछ बंदों को यही नहीं मालूम होता कि सिर्फ ये बोलती है कि टेलीकॉम कंपनियां जो है वो प्लान में इंक्रीज करती है, उनके पीछे जो वजह है वो नहीं जानती। आपको ये मालूम हो गया होगी कि 5G स्पेक्ट्रम जो है वो परचेज करने के लिए कंपनियों को बहुत ज़्यादा इसका पैसा देना होगा, तब जाकर 5G स्पेक्ट्रम परचेज कर सकती है, तब जाकर आपका 5G नेटवर्क भी आएगा, और 5G नेटवर्क आने से ही टेलीकॉम कंपनियों का थोड़ा सुधार भी हो सकता है, क्योंकि नए कस्टमर जुड़ते हैं जब ज़्यादा उसको नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो सीधा सीधा फोकस टेलीकॉम कंपनियों का 5G पर है, ना कि 4G या 2G पर है। और 5G को परचेज करने के लिए, यानी कि 5G स्पेक्ट्रम को परचेज करने के लिए कंपनियां कई हद तक जा सकती है, उसका असर सिर्फ हमारे पर पड़ेगा, यानी कि प्लान में जो है वो इंक्रीज 100% करने वाली है। तो दोस्तों आज का मेरा यही मकसद था कि कैसे कंपनियां अपना प्लान में जो है इंक्रीज करती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मोबाइल के रिव्यूज भी करता रहता हूँ, उनकी अच्छी बुरी बातें वो आपके सामने रख देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।